हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिल और आज मैं एक और वीडियो लेकर आ गया हूं। इस वीडियो में अपन बनाएंगे एक स्टाइलस पेन। और एक्चुअली स्टाइलस पेन क्या होता है ये मैं बता देता हूं। स्टाइलस पेन काइंड ऑफ एक पेन होता है, इलेक्ट्रिक काइंड ऑफ पेन, जो आप किसी भी डिस्प्ले, जो भी टच डिस्प्ले वाले डिवाइसेज हैं उन्हें ऑपरेट करने में मदद करता है। अभी कैसे करता है वो समझते हैं। ये एक्चुअली हमारी बॉडी के स्टैटिक चार्ज को अपनी टिप की मदद से स्क्रीन तक पहुंचाता है, और स्क्रीन जो कि हमारी चार्ज, स्टैटिक चार्ज सेंसिटिव होती है, वो इस चार्ज को अडेप्ट या एक्सेप्ट करके और फिर ऑपरेट होती है। तो इसको कैसे बनाएंगे वो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। और बाकी आप देख सकते हो कितना सही वर्क कर रहा है इस फोन पे, आप मैं बना रहा हूँ डिज़ाइंस। तो अगर ये वीडियो आपको सही लग रही है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना कि आपको और क्या नया देखना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना फॉर ऐसी अमेजिंग ऑसम वीडियोज़ के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मटेरियल में अपने को चाहिए एक प्लायर, ये थोड़ा खींचने वींचने के लिए काम आएगा, ये प्लायर है। एक कटर चाहिए अपने को एंड एक सीजर, ठीक है, टेप थोड़ी सी, और एक चाहिए अपने को स्केच पेन, जिससे हम बनाएंगे एक्चुअली, जो एक्चुअली बनने लिखने वाली चीज़ें भी। तो एक ऐसा स्केच पेन और ये कुछ वो चीज़ें हैं जो अपने को चाहिए। एंड वन मोर थिंग, हमने को ये तार भी चाहिए, एक ये कॉपर वायर है एक्चुअली। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये एक्चुअली बड़ी वायर थी, उसको मैंने कट करके उसमें से छोटे छोटे पतले वाले वायर्स निकालने हैं। इनमें से हमें एक वायर चाहिए, एक सिंगल वायर। सबसे पहले अपने को चाहिए स्केच। अब एक स्केच है, ये तो नॉर्मली नॉर्मल शेड का था, तो ये आपको देख रहे होगे, एक सेकेंड, ये आप लोगों को वाइटिश सा दिख रहा होगा, है ना, क्लीन सा एकदम, बट एक्चुअली ये क्लीन नहीं था। इसका मैं रिफिल भी दिखा देता हूँ आपको। देखा, इसकी रिफिल भी जो है वो मैंने वाइट कलर की कर दिया। अब आप बोलोगे वाइट कैसे हुआ, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कोई सा भी ब्लीच, या फिर अगर आपके ब्लीच नहीं तो रिन आला, रिन का एक प्रोडक्ट है आप देख लेना, वो यूज़ करना है। उसमें इसको सोक करके रख देना है, एंड आपको क्या करना है, ब्लीच को इस ढक्कन में भर के इस पेन को वापस इसमें डिप करके ऐसे टाइटली, और फिर वापस स्ट्रेट करके ऐसे खड़ा करके छोड़ देना फॉर 24 आवर्स। उससे क्या होगा, ये रात भर में अपने आप ही पूरा क्लीन हो जाएगा, एकदम वाइट हो जाएगा। मैंने रात भर ऐसे छोड़ दिया था, ये अपने आप हो चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अभी के लिए क्या करेंगे, अभी सारे पार्ट्स को डिसमेंटल करेंगे इसके, क्योंकि अभी हमें इसमें से काम है थोड़ा सा। इसको निकालने के लिए प्लायर को यूज़ करूँगा, इसको अलग कर लेंगे फटाफट, इसकी रिफिल निकाल लेंगे बाहर, एंड इसकी स्ट्रिप को भी निकालना है पर केयरफुली, ये ब्रेक नहीं करनी हमें। अब अभी क्या करना है अपने को, ये पूरा रेडी है। अब हमें लेनी है वो वायर जो मैंने आपको वायर दिखाई थी। आपको क्या करना है, इनमें से एक वायर लेनी है, एक स्ट्रेट वायर जैसे आपको दिख रही है, सॉरी, कंपैरेटिवली इससे लंबी होनी चाहिए, काफ़ी लंबी है इससे, ये आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लंबी है। तो हमें क्या करना है, इस वायर के एक एंड को इसके एंड में डालना है। जैसे आप देख रहे हो मैंने इसके एंड में एक पार्ट ये डाल दिया इसका, इस तरीके से आपको डालना है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो होगा वाटर होगा जो करंट को सप्लाई करेगा, ठीक है। तो इसको मैंने इसके एंड में डाल दिया। अब मुझे वापस से इस पार्ट को यहाँ डाल देना है, ये एज इट इज वापस इसमें डाल देना है। अब क्या करना है, इस वायर के इस पार्ट को यहाँ से इसको आराम से बेंड करना है, और बेंड करने के बाद ये टाइटली, यहाँ से आप टाइटली रखना है इसको, पूरा टाइटली रहना चाहिए, इसको टाइटली इसके साथ लाते हुए ये जो होल है इस होल में इस वायर को डालना है, और इसे स्ट्रेट सामने से निकाल लेना है यहाँ से, एक सेकेंड, इसको थोड़ा बेंड करके निकालोगे निकल जाएगा, जैसे मैंने निकाला ये निकल गई। अब जैसे ये एक बार निकल जाए ना पूरी तरीके से स्ट्रेट करके, एंड इसको वापस से पीछे होल्ड कर लेना है, ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड निकल रखा है अपना, ठीक है, ये एक्स्ट्रा वायर जो निकली है इसको पीछे होल्ड कर लेना है। ये जो टिप हमने निकाली थी ये टिप वापस लेनी है, एंड इसको इसके अंदर वापस से फिल कर देना। आप चाहो तो ये जौन सा भी पार्ट आपको बाहर की तरफ रखना है उसे बाहर रख लो, और एक एंड को इसके अंदर की तरफ में इंसर्ट कर दो। अब इसको इंसर्ट करते चले जाना है एज इट इज़, जैसे ये थी एकदम प्रॉपरली ये लगा दिए। तो अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको आप चाहो तो ट्रिम ऑफ कर दो। तो हम क्या करेंगे, इसका बैक साइड का लिड लगा देते हैं, ये जो बैक साइड का लिड है इसको इस तरफ लगा देते हैं, इस तरफ से तो ये पूरा सेट हो गया है जैसे कि आप देख रहे हो, ये टोटली सेट है। अब इसमें कोई इशू नहीं है। अब हमें इस साइड पे ये नहीं चाहिए जो इतना लंबा है,
तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से थोड़ा सा खींचेंगे इसकी मदद से। ये लो, इसको मैं काट ही देता हूँ। सो इसे मैंने अल्टीमेटली कट कर दिया है। अब बस इससे थोड़ा सा हमें अवेयर रहना है कि ये डैमेज ना दे किसी तरीके का, क्योंकि ये बहुत शार्प है तो ये ऑब्वियसली बात है हार्म कर सकता है। कैंसिल। तो अब होगा क्या, जब मैं इसको टैप करूँगा तो इससे क्या होगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मेरी उंगली से इसमें जाएगी एंड इसके थ्रू इस टिप पे, क्योंकि ये टिप वाटर से भीगी हुई है तो वाटर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आगे सप्लाई होगा। और ये टैंटेडन आपका वो स्टाइलस पेन रेडी है। सो गाइस आई एम बैक। अभी पता है क्या हुआ, मैंने इसको पूरा टेस्ट कर लिया पर मैंने ध्यान दिया कि मेरी वीडियो बंद थी। टेस्ट करने के बाद दोबारा से इसकी टेस्टिंग वीडियो शूट करो, कमाल हुआ है। देखो आपको इसके वायर को हमेशा टच में रखना है, इसके टिप को हमेशा वेट रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं बट हल्की सी वेट रहे ताकि चार्ज पास होता रहे इस हैंड से इस टिप पे। सो यहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है जिसका नेम है रेडियल, दिखाता हूँ, दिस इज़ रेडियल। इस पर क्लिक करो एंड ये कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, यहाँ से आप इसकी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हो, आप देख लेना कैसे होती है। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ एंड यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हो आप, मैंने कलर चूज़ कर लिया। अभी के लिए क्या करना है, एक और चीज़, अब यहाँ पे जब आप ड्रॉ करोगे ना तो यहाँ पे मस्त मस्त शेप्स बनेंगी। देखो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, यहाँ पे मैं बिल्कुल भी अपने फिंगर्स को टच नहीं कर रहा, जहाँ पे मैं टैप कर रहा हूँ आप देख रहोगे ये वहीं से बना रहा है। तो इस तरीके से आप भी मस्त मस्त क्रिएटिव वर्क कर सकते हो विद दिस स्टाइलस पेन। और अगर यार ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। इस तरीके से आप मस्त मस्त इसमें जो चीज़ें बना सकते हो, डिज़ाइंस और पैटर्न्स बना सकते हो, इससे आप इंस्टाग्राम स्टोरीज भी बना सकते हो, जैसे कि किसी को इंस्टाग्राम पे स्टोरी वगैरह राइट क्रिएट वाले ऑप्शन में होता है जो डूडल वाला, लेट मी मेक वन, ये रहा मैं बना रहा था मुझे नीचे। तो यहाँ पे आप अपनी स्टोरीज में भी कुछ भी बना या लिख सकते हो इस तरीके से इंस्टाग्राम स्टोरी पे। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, एक सेकेंड, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिखा जाए, द क्रिएटिव जंक्शन। गाइस जो बात, इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब गाइस, लाइक भी करो और कमेंट भी करो। एंड हाँ, वन मोर थिंग, शेयर करना मत भूलना। एक सेकंड में लिख के दिखा देता हूँ। ये देखो भैया, रब भी यही कर रहा, मैं नहीं कर रहा कुछ भी, सॉरी फॉर दैट। शेयर दिस वीडियो गाइस। एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू डू फॉर यू गाइज, दिस इज फॉर यू ऑल, लव यू ऑल। सो हिट दिस लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो। कुछ भी क्वेरी है आगे की वीडियोज के लिए तो मिलता है अपन आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।